नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। केंद्र ने कहा है कि पूरा देश जोखिम में और किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 10 जिलों में 8 महाराष्ट्र से हैं और दिल्ली भी एक जिले के रूप में सूची में शामिल है। केंद्र ने ऐसे सभी मामले राज्यों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के और वैक्सीनेशन कवरेज 100% तक करने को कहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज होते जा रही है। बीते 24 घंटे में 53,480 नए केस सामने आए। 41,280 मरीज ठीक हो गए और 354 की मौत भी हो गई है। मौत का यह आंकड़ा बीते 104 दिन में सबसे ज्यादा है। देश में अब तक 1,21,49,335 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 1,14,34,301 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब इस वायरस से 1,62,668 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 5,52,566 लोगों का इलाज चल रहा है, यानी ये कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते पहले ही इसकी घोषणा की थी और अब आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी गई है। इसके तहत वैक्सीन लेने के लिए लोग 1 अप्रैल यानी गुरुवार से दोपहर 3 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद वे सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल में जाकर वैक्सीन ले सकेंगे। भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को भारत को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जो अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों लड़ाकू विमान यूएई के रास्ते आएंगे, जहां उन्हें हवा में ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इससे पहले 31 मार्च तक ये स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए थे। वहीं अन्य संस्थानों में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में बुधवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में सुबह 6:35 पर लगी थी। धीरे धीरे आग एक एच ब्लॉक वार्ड 11 तक पहुंच गई। उसमें पहले ही आईसीयू वार्ड से 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल आग बुझ गई और सभी लोग सुरक्षित हैं। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में शुमार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक भी बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हाल ही में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 31 मार्च से तमिलनाडु और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ सीएम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बंगाल में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इसी के तहत आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की 3 रैलियां हैं। ममता की पहली रैली हुगली जिले के घोघाट में और दूसरी इसके बाद 1:30 पर हुगली जिले के सिंगूर में रैली होगी और फिर 3 बजे हावड़ा जिले के उलुबेरियापुरम में सीएम रैली को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया आबकारी सत्र शुरू हो जाएगा। नए आबकारी सत्र में यूपी में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगे। नए आबकारी सत्र में 1 अप्रैल से बियर सस्ती हो जाएगी, लेकिन देसी और विदेशी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2 श्वेत महिलाओं और पहले मुस्लिम जज को संघीय न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए मनोनीत किया है। इसमें भारतीय अमेरिकी रूपा रंगा और पाकिस्तानी मूल के जाहिद कुरैशी समेत 10 अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। 45 वर्षीय जाहिद कुरैशी सीनेट द्वारा अनुमोदित होने पर संघीय जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले अमेरिका के पहले मुस्लिम बन जाएंगे। कुरैशी पाकिस्तानी मूल के हैं और वर्तमान में वह न्यू जर्सी में मजिस्ट्रेट जज के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।